2020 के आंकड़े नहीं मिल पाए और इसीलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स पर एक रिसर्च की और उन सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जो स्क्रीन पर हम कितनी बार टच करते हैं ये काउंट करता है। तो जब मैंने उन सबका एवरेज निकाला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एवरेज था 8407 और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर था वो था 16359। यानी जो हाई यूजर्स होते हैं वो 16000 से भी ज्यादा बार अपने फोन की स्क्रीन को टच करते हैं। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिसकी मदद से हमारे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी का इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक कि स्मार्टफोन्स नहीं आ गए थे। फोन्स दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बेवकूफ। मैं माफी चाहूंगा अगर आप में से ये बात किसी को बुरी लग रही हो तो, लेकिन ये बात सच है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका जमीर रोतेगा। एक एवरेज पर्सन एक दिन में 5 घंटे अपने फोन पर बिताता है। अगर आप लकी रहे और 50 साल और जीते और अगर इसी तरह फोन का यूज करते रहे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल और 4 महीने तो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर ही गुजार दोगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स बिक चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को तक आईफोन यूज नहीं करने दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग दिन भर फेसबुक पर टाइम पास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिल्कुल बकवास है। वो तो इस काम में लगे हैं कि हम कैसे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाए जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्लीकेशन पर स्पेंड कर सके। 95% स्मार्टफोन यूजर सोने से पहले अपने फोन का यूज करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के एडिक्शन होते हैं, किसी को फेसबुक का एडिक्शन तो किसी को व्हाट्सएप का एडिक्शन, किसी को इंस्टाग्राम का एडिक्शन तो किसी को यूट्यूब का एडिक्शन, तो किसी को पूरे के पूरे स्मार्टफोन का एडिक्शन, किसी को सिगरेट का एडिक्शन तो किसी को शराब का एडिक्शन। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा लेकिन स्मार्टफोन आपकी पूरी जिंदगी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज नोटिफिकेशंस के। नोटिफिकेशन आए नहीं कि हम उसको सैल्यूट मारते हैं, यानी अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम भी अगर चल रहा होता है ना तो लोग उसको भी छोड़कर सैल्यूट मारकर उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हम उससे ये शो करते हैं कि हम कितने वेले इंसान हैं, हम कितने फुर्सती इंसान हैं। लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर भी उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हमें तो ये तक नहीं पता है कि वो नोटिफिकेशन कुछ काम की है भी या नहीं। 95% से भी ज्यादा लोग अपने काम के दौरान नोटिफिकेशन अगर आई तो उसे पिक करते हैं। आई थिंक आप भी उसमें से शायद एक होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर 15 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं और कई बार तो बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी वजह के अपने फोन को चेक करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, इंस्टा पर पोस्ट डाली थी, इंस्टा पर स्टोरी डाली थी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था तो कितने लाइक्स आए, लोगों के क्या रिएक्शन आए, ये चेक करने के लिए बार बार हम उनमें एंटर करते हैं और जाते सिर्फ चेक करने के लिए और घंटों बिता कर आते हैं। लोग फोटो को एडिट करके इतना क्रिएटिव, इतना अलग बना लेते हैं, यानी रियलिटी से बिल्कुल अलग, और फिर उस फोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी अदर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ये शो करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। सोशल मीडिया पर 99% फेक होता है, उसको एडिट करके उसको बेस्ट बनाकर लोगों को दिखाया जा रहा है। कोई भी इंसान रियलिटी नहीं दिखाएगा। आप बिहाइंड द सीन अगर देखोगे तो हर इंसान की जिंदगी में धुप्पर पड़े हैं, हर इंसान मुसीबतों से लड़ रहा है, हर इंसान रो रहा है और हम रो रहे हैं उनके फोटो से खुद को कंपेयर करके। जितना ज्यादा आप इस फेक दुनिया में घुसोगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को हर्ट करते जाओगे। और अपने फोटो को एडिट करना, उसको अपलोड करना, डेली ये काम करना, हम सब इतना करते भी किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं है। सोशल मीडिया यूज करते टाइम जब कोई इंसान हमसे बुरा दिखता है तो हम उससे कंपेयर करके खुद को अच्छा मान लेते हैं और जब कोई इंसान हमसे अच्छा दिखता है तो हम उससे कंपेयर करके खुद को बुरा बना लेते हैं। देखो, ना तुम किसी से अच्छे हो और ना ही तुम किसी से बुरे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। जो इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा वो इन फालतू के डिप्रेशन और एंजाइटी में पड़ेगा ही नहीं। लोग उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान रहे हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजलेस प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक रिसर्च शो करती है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन की भावना को बढ़ा रहा है और कंपैरिजन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता जा रहा है। देखो, इस दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं। हम सुई की तुलना तलवार से नहीं कर सकते क्योंकि सुई का अपना एक पर्टिकुलर काम है जो तलवार नहीं कर सकती और तलवार का अपना एक पर्टिकुलर काम है जो सुई नहीं कर सकती। इसलिए हम सुई की तुलना तलवार से करके सुई को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते। इन फेक चीजों को रियलिटी से कंपेयर मत करो। जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फेक है और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो रियलिटी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग दूसरों की लाइफ खोद खोद कर निकाल लेते हैं लेकिन खुद की लाइफ के ठिकाने नहीं होते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई
और उस रिसर्च में ये पाएगा कि 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी होने लगती है जब उनके फोन की बैटरी अबाउट टू डाई होने वाली होती है। एक दिन में हमारे माइंड में 70,000 थॉट्स आते हैं और वो इस बेस पर होते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं? जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा ही हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। मोबाइल कंपनीज हर वक्त ये कोशिश करने में लगी रहती है कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड कर पाए। और मोबाइल एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस एप्लीकेशन पर चिपके रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हाट्सएप के यूजर्स है 340 मिलियन, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। और सेकंड नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राजील, यानी फर्स्ट है इंडिया जिसके 340 मिलियन यूजर्स है, और सेकंड है ब्राजील जिसके 99 मिलियन यूजर्स है। आप डिफरेंट देख सकते हैं, 340 मिलियन और 99 मिलियन। इंडिया में फेसबुक के यूजर्स है 346 मिलियन, और ये आंकड़ा बढ़कर 2023 में 444 मिलियन होने वाला है। एक रिसर्च ये भी शो करती है कि जो इंसान जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है, वो इंसान उतना ही ज्यादा खुद को अकेला महसूस करता है। आजकल लोगों के दिन की शुरुआत फोन से होती है और खत्म भी फोन पर ही होती है। लोग उठते से ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी फोन चेक करते हैं। फोन पैसा भी बर्बाद कर रहा है, टाइम भी बर्बाद कर रहा है, करियर भी बर्बाद कर रहा है, लाइफ भी बर्बाद कर रहा है। ये बात सबको पता भी है, ये जानते हुए भी, इसके बावजूद भी मोबाइल चला चला कर लोग खुश हो रहे हैं। जितने ज्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं, उतने ही ज्यादा हम अपनों से डिसकनेक्ट हो चुके हैं। घर पर सब बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी फोन पर टिक टिक कर रहे हैं। देखो, कड़वा सच यही है कि स्मार्टफोन अमर है, और जो लोग आपके साथ है वो ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहने वाले। तुम अपने फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, उसे इतना हक मत दो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। स्मार्टफोन जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसे हिस्सा ही रहने दो। जिस दिन जिंदगी बन गया ना, उस दिन तबाह करके ही छोड़ेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन नहीं होता तो हम आपका वीडियो कैसे देखते हैं, और अगर हम स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे तो आपके वीडियोस कौन देखेगा। मैंने इस पूरे वीडियो में स्मार्टफोन की बुराई की और उसके डिसएडवांटेज को बताया, लेकिन मैंने पूरे वीडियो में ये कभी भी नहीं कहा कि स्मार्टफोन यूज मत करो। स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम है। अगर इस वीडियो से आप सहमत है तो शेयर करें उस इंसान के साथ में जो फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। हो सकता है आपका शेयर करते ही वो तुरंत नोटिफिकेशन पिक कर ले, जैसा कि मैंने बताया था। मुझे पता है कि शेयर करने में भी फोन का यूज होगा, फोन का यूज करो, लेकिन फोन को इतना हक मत दो कि वो आपका यूज करे।